सभी दोस्तों को आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत ये सुंदर से फ्लावर के साथ। तो दोस्तों आज बहुत दिनों बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है। तो दोस्तों रेगुलर वीडियो मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। तो दोस्तों आज अपने टेरेस गार्डन का कुछ मैं आपको प्लांट दिखाऊंगा कि इस समय मेरे टेरेस गार्डन पे क्या चल रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों इधर मेरे गुलाब लगे हुए हैं, ये देखिए ये येलो कलर है। तो दोस्तों बस ये होता है कि अभी गुलाब का टाइम नहीं है, इनका टाइम अक्टूबर में आता है। तो अभी इनमें काफ़ी छोटे साइज़ के फ्लावर खिलते हैं। तो जैसे ही सर्दियों का समय आएगा तो इनका साइज जो है कि बढ़ जाएगा। और इधर देखिए हमने ये छत पे कुछ सब्जियां लगा रखी हैं, तो आप देख सकते हैं ये देखिए फ्लावर है और ये नीचे फ्रूट बन रहा है। तो फ्रूट बनने के बाद फिर कुछ इस तरह का हो जाता है, तो देख सकते हैं। तो ये है घर की ऑर्गेनिक खेती, इसमें कोई केमिकल नहीं यूज किया है। और जो इनका पोलिनेशन का काम है वो यहाँ की मक्खी और जो बटरफ्लाई है ये सब करते हैं। तो आप भी घर पे ऐसे सब्जियाँ उगा सकते हैं। तो इधर देखिए इधर हमने मिर्च लगा रखी है, तो ये देखिए इस पर मिर्च भी बन रही हैं। तो आपको जूमिंग करके दिखाते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक मिर्च लगी हुई है, ये देखिए ये है वो मिर्च, वो दिखी होगी। तो ऐसे हमने घर पे ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगा रखी हैं। तो इधर देखिए इधर हमारा ये प्लांट लगा हुआ है। तो दोस्तों इधर आपको दिखाते हैं, ये है करेले की बेल इधर लगा रखी है हमने, और इससे पहले ये है समी का प्लांट। तो करेले की बेल आपको दिखाते हैं, ये देखिए तुलसी का प्लांट है हमारे, ये देखिए नीचे बहुत सारी तुलसियां हैं जो कि जमा हो गई हैं यहाँ सीड गिरने के कारण, काफ़ी सारी उगी हुई हैं तुलसियाँ। तो देखेंगे इसे बड़ा होने पे। और इधर करेले की बेल है, ये देखिए ये है करेले की बेल। तो इसमें आपको दिखाते हैं फ्रूट कहाँ पे बना हुआ है। हमने कई बार इसमें से फ्रूटिंग ले भी ली है और अब नई फ्रूटिंग आ रही है। देखिए ये छोटा सा करेला है, गिलहरी ने इसको काटा है। तो गिलहरी भी हमारे यहाँ छत पे बहुत नुकसान करती है, कोई भी नहीं, ये नेचुरल है। और ये देखिए ये हमारे फ्रूट बना हुआ है, तो देख सकते हैं आप। और भी कई हमने जो है कि एक बार इस पे से करेले ले लिए थे सब्जी के लिए, और अभी फिर से नई फ्रूटिंग हुई है। तो इधर मिर्च का प्लांट लगा रखा है, और ये देखिए एक करेला देखिए यहाँ पे है। तो ढूंढना पड़ता है, काफ़ी जगह करेले लगते हैं। और ये देखिए इस पे जो डिब्बा देख रहे हैं इसी में हम लिक्विड कंपोस्ट बनाते हैं। तो आप भी घर पे ऐसे ऑर्गेनिक जो खेती करें और ऑर्गेनिक खाद बनाएं। और ये लौकी है, देखिए लौकी इसमें स्टार्ट हो गई है लगनी, अभी पहली बार है इसमें जो लौकी स्टार्टिंग हो रही है, अभी तक इसमें लौकी नहीं लगी थी, और अब देखिए अब स्टार्टिंग हुई है लौकी लगने की। तो आगे का रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ये है हमारे बोगनविलिया का प्लांट, तो काफ़ी पुराना प्लांट है, उस पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा प्लांट है, तो ये फ्लावरिंग गर्मियों में खूब करते हैं और सर्दियों में फ्लावरिंग बहुत कम हो जाती है। तो चलिए आपको दूसरे तरफ लेके चलते हैं। तो ये देखिए ये मैंने एयर लेयरिंग से तैयार किया था प्लांट, तो इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो ये देखिए हमारे रोज़ प्लांट है, ये जो हम
गिफ्ट किसी को करते हैं तो ये जो गुलाब देते हैं ये वही गुलाब है। तो ये मैं नर्सरी से लेकर आया था, 50 रुपये का प्लांट लाया था। और अब इसकी ग्रोथ देखिए, इसके लीव्स देखिए, बहुत ही शाइनिंग है। तो जल्दी मैं आपको बताऊंगा कि आप गुलाब छत पे कैसे आसानी से लगा सकते हैं। तो इस पर एक मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि हमारे गुलाब नहीं चल पाते हैं, तो जल्दी वीडियो बनाएंगे। तो इधर देखिए, इधर हमने पुदीने की कटिंग लगाई है। तो ये देखिए, अभी कटिंग लगाई है, ये स्टार्ट हो गई है कटिंग। तो ये इसकी भी तैयारी है। और ये देखिए, इधर हमने तोरी की बेल लगा रखी है। और ये है हमारे बैंगन का प्लांट, जो कि हमने मार्च में लगाया था। तो इस पर एक बार फ्रूटिंग हो चुकी है बहुत अच्छे से, उसके बाद फिर दोबारा इस पर फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है। तो देख सकते हैं इसमें बहुत सारे फ्रूट बन रहे हैं। तो ये देखिए एक छोटा सा, और ये अभी 10 दिन बाद तैयार हो जाएंगे हमारी रसोई के लिए। तो अभी मैं इन्हें नहीं तोड़ूंगा, अभी काफ़ी छोटे साइज के हैं। और ये देखिए, आपको दिख पा रहा हो तो बहुत एक छोटा सा लगा है। तो इसमें डेली मैं जब देखता हूँ आके, तो इसमें फ्रूटिंग नए नए जो होती रहती है। तो ये घर की ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये हमें ज़रूर लगानी चाहिए। तो आप भी अपने छत पे, ज़्यादा बड़ा गार्डन नहीं आप बना पाते हैं, आप पे टाइम नहीं, तो छोटा सा गार्डन बनाइए, इन्जॉय कीजिए गार्डनिंग को। और दोस्तों, ऐसे ही अपने पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे लगाते रहिए, क्योंकि पोल्यूशन बहुत हो रहा है। तो छोटी सी हमारी एक जो काम है वो हमें करना चाहिए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतने ही। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।